नहीं, बहुत खुशी का माहौल है। आई थिंक डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन, शाही प्रोडक्शंस और आय शाही प्रोडक्शंस, हमारी एक परंपरा रही है कि हर साल गणपति जी को हम वेलकम करते हैं अपने सेट पे। तो आज सुबेरे से आय कुटे के सेट पे थे पहली स्थापना, फिर हमारे ये रिश्ता का कहलाता है कि सेट पे स्थापना थी, उसके बाद अलबेला पे, और अब लास्ट में भी अनुपमा के सेट पे स्थापना हुई। तो अच्छा लगता है कि हर साल सारे यूनिट के लोग, यू नो, सारे हमारी टीम मेंबर्स ही बैठ के हर पंडाल को सजाती है, सारी यूनिट में हर इंसान वेट करता है। और जो एक जैसे हमारा सबका एक कॉमन मानना है कि मेहनत सब करते हैं, बट जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद ना हो और माँ बाप का आशीर्वाद नहीं हो तो कुछ सफल नहीं होता लाइफ में। तो ये हम पापा को हमेशा थैंक यू बोलते हैं कि बस हमें, हम और कर्म करें, सबको खुश रखे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और सद्बुद्धि दे सबको, और हम ऐसी मेहनत करें। एंड वी वेलकम पापा एवरी, आई थिंक ये तीसरी साल है। सो बहुत खुशी है, खुशी का माहौल आ जाता है सेट में, फेस्टिविटी आ जाती है। मैम, आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ आप कहना चाहोगे आज सेट पे गणपति पापा आए हैं, एज वेल एज पापा को बोलते हैं कि सभी विघ्न वो दूर करते हैं। हमारे साइड पे एक अनुपमा में ये खासियत रही है कि जिस दिन जो त्यौहार होता है उस दिन वो त्यौहार मनाया जाता है। तो जैसे जन्माष्टमी के दिन हमने एक्चुअली जन्माष्टमी कान्हा जी का अभिषेक किया, फिर रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन होती है हर साल, ऐसे ही सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। बस गणपति बापा के दिन बड़ा पंडाल लगता है यहाँ पर, और सारे आते हैं बिना शूटिंग के और यहाँ पर पूजा करते हैं। सो एवरी फेस्टिवल ये है जो हर फेस्टिवल हर सेट पर सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो 75th इंडिपेंडेंस डे क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि DKP में शाही प्रोडक्शंस में सबसे अच्छा उसका, यू नो, हर सेट पे देयर वाज अ कट आउट एंड एवरीथिंग, सो इट इज़ कमेंडेबल जब एक प्रोडक्शन हाउस आपको इतना सपोर्ट करता है और पूरी यूनिट में एक यू नो ऑस्पिशियस, एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल छाया रहता है, क्योंकि सुबह शाम आरती होती है, सब आरती करते हैं घर से, कोई ना कोई अपने घर से नैवेद्य वो प्रसाद सब लेकर आता है, कुछ लेकर आते हैं रोज़। और ये 10 दिन हमारे सेट पे फेस्टिवल होता है, शूटिंग तो होती है लेकिन ऐसा लगता है हम पंडाल में शूटिंग कर रहे हैं। नहीं, एंड इट फील्स स्पेशल बिकॉज ये पहला प्रोडक्शन है, और जो हमारे शो के मतलब मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, दैट्स माई मदर दीपा शाही, सो शी सेंड ऑल अ ब्लेसिंग्स टू एवरीबडी एंड थैंक्स टू हर ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग दैट अनुपमा, हर फर्स्ट प्रोडक्शन हैज पापा हैज ब्लेस्ड अस। ये एक्चुअली माँ का शो, हाँ माँ का ही है। तो पल्लवी जी, साथ में ये भी जानना चाहेंगे घर पे भी आप गणपति किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है, एज वेल एज नैवेद्य में तो हर बार हम अलग अलग नैवेद्य चढ़ाते हैं, किस तरीके का नैवेद्य आप पसंद करती है और पापा को भी चढ़ाती है? ऑफकोर्स उकड़ीचे मोदक, वो बिकॉज मम्मी महाराष्ट्रन है तो दैट्स महाराष्ट्रन ट्रेडिशन, और इट्स मेरे घर में इट्स आर 33rd ईयर ऑफ गणपति, तो इट्स अ वेरी स्मॉल गणपति, वही जो पहले दिन से हम लोग की कुछ 20-25 साल से जो डेकोरेशन थी, डेकोरेशन होती है फूल की फिर धोखे रख देते हैं हर साल, उसी को यूज़ किया जाता, तो रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, कोई कुछ ऐसे वेस्टेज कोई ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ होती जो यू नो एनवायरनमेंट के लिए ख़राब हो। तो शाडू माती के गणपति आते हैं और हर साल वही होता है, सिंपल स्वीट पूजा होती है। और फिर अब यहाँ पर इस घर में, क्योंकि मैं अपने घर से ज़्यादा इस घर में रहती हूँ, सो यहाँ पर इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है तो दिल खोल के एकदम खुशी होती। मैंने पहले भी बोला है कि मुझे जहाँ पे भी भगवान का बुलावा आता है मैं पहुँच जाती हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया आरती में, और बहुत अच्छे से हुआ भी, जिस तरह से सब गा रहे थे, सब इन्वॉल्व थे, सब मज़े, मतलब एकदम जैसे आप बोल रहे एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड था, तो इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट फील, तो बहुत अच्छा लगा। और आज इतने शुभ दिन पे यहाँ आना, मतलब कहीं ना कहीं इट्स अ डिवाइन कॉलिंग फॉर मी। लास्ट टाइम जब मेरा अनुज का किरदार बस शो में आया ही था, 2-3 दिन हुए थे, तो मुझे अभी भी याद है सर से मुलाकात हुई थी यहाँ पे, और वो मेरा पहला गणपति था अनुपमा के सेट पे और DKP प्रोडक्शंस में, और मैं सर को बोला था ऐसे पता ही नहीं चला कि वक्त इतनी जल्दी निकल गया और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, तो इसलिए जब मेरे को पता चला कि अभी हम लोग फिर से ये स्थापना होने वाली है तो मैं शूट कर रहा था, मैंने आकांक्षा को बोल दिया था, तो आकांक्षा ने बड़े प्यार से छरी ने सब तैयारी वारी करी, और हमने ये सोचा था कि हमारे घर पर हम गणपति नहीं रख रहे, लेकिन ये भी घर ही है, कर्मभूमि है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पूरे हम जितना, क्योंकि मैं और आकांक्षा अकेले रहते हैं, हमारे पेरेंट्स मेरे अलग शहर में रहते हैं, आकांक्षा के पेरेंट्स अलग जगह रहते हैं,
तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ आके इस परिवार के साथ एक पूरी तरीके से गणपति की पूजा की जाए. एंड बहुत ही अच्छा लगा. एंड थैंक यू सर, थैंक यू राजन सर टू गिविंग मी एंड माई वाइफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द लवली कास्ट एंड क्रू मेम्बर्स जिनके साथ मुझे खड़े होने का मौका मिला और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, वो सब इन लोगों की वजह से है. मैं तो वही हूँ जो पहले से था. सो आई थिंक दीज गाइज आर द रियल हीरोज. एंड हमारे सीरीज डायरेक्टर हर्ष ओके, रमेश जी, हमारे क्रिएटिव केतकी जी एंड द एंटायर टीम एंड कास्ट हियर. सो थैंक यू सो मच ऑन देयर बिहाफ. सो आई विल टेक अ लीव एंड देन यू गाइज कैन कंटिन्यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. बाय सर. बाय. यू कैन गो. नाइस टू मीट यू. थैंक यू. टू क्यू. थैंक यू. चिंटू देख, चिंटू पापा से जो विश मांगे बताते थोड़ी है. और पापा बिना मांगे इतना कुछ दे देते हैं तो फिर क्या और क्या मांगे. बस यही कि हाथ पैर चलते रहें और हेल्दी लेकर काम करते रहें और सबको एंटरटेन करते रहें और फैमिलीज हमारी खुश रहें, हेल्दी रहें बस. और वो भी तो अनुज कपाड़िया को और प्यार मिले. अनुज कपाड़िया की रियल लाइफ बीवी और रियल लाइफ बीवी, उन दोनों को ज़्यादा प्यार मिले, लक्ष्मी मिले, हम ज्यादा खूबसूरत हो, शॉपिंग करें, ये मांगा है. कमाल है, कमाल है. मैं बस ये कहूंगा कि भगवान अपना ऐसी आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि रियल और रील दोनों डिपार्टमेंट को मैं खुश रख पाऊं और आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊं. सो थैंक यू सो मच. मुझे गौरव ने एक चीज बताया था परसों, ही वाज सेइंग दैट शी इज लुकिंग लाइक मी. डू यू लुक लाइक मी? आपसे डिंपल बताओ, सबको डिंपल बताओ. ये भी बहुत प्यारा एडिशन है हमारे कास्ट में, बहुत ही क्यूट है. शी इज द क्यूटेस्ट क्यूटेस्ट इन द शो राइट नाउ. लास्ट ईयर मुझे याद है रूपाली जी के साथ मेरा काइंड ऑफ फर्स्ट या सेकंड इंटरव्यू था इस शो में और यहीं पे था, इसी जगह पे था. रिमेम्बर जब हम लोग गणपति के लिए, और उस दिन शायद इनका शूट नहीं था, ये घर से आई थी. मैं गणपति तो मुझे अभी भी याद है. टाइम हैज़ जस्ट एंड पता ही नहीं चला कि वक्त आ गया. एंड मैं बस थैंक यू कहना चाहता हूँ आप सभी को, जो लोग भी इस शो को इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे किरदार को इतना प्यार दे रहे हैं, कि आई एम जस्ट हम्बल्ड बाय द होल लव एंड अफेक्शन. जिस तरीके से आप लोग, जिस शिद्दत से आप अनुपमा और अनुज की कहानी को इतना प्यार दे रहे हैं, उसे यू नो आप लोग वेट करते हैं कि आगे क्या होगा. अभी भी जब ये इंटरव्यू नहीं चल रहा था तो आप में से भी काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये प्रोमो बड़ा अच्छा है, अब क्या होने वाला है. सो ये सब इन्हीं का आशीर्वाद है और आई एम वेरी थैंकफुल कि घर पे ऐसी सपोर्टिव वाइफ है और ऑन स्क्रीन ऐसी यू नो उम्दा कलाकार जो मेरे वाइफ का किरदार प्ले कर रही हैं. तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. थैंक यू. बहुत सारी मतलब मैंने कहा ना, आज 33rd ईयर गांगुली फैमिली का 33rd ईयर है गणपति का. और कल मेरे भाई ने फिल्म फेयर जीता है. कांग्रेचुलेशंस. सेकंड ना इस सेकंड फिल्म, सेकंड आईफा फॉर चका चक. सो या सो हमारे लिए ये गणपति बहुत स्पेशल है. वो गए वो शूट करने बड़े गए. बहुत सारी मेमोरीज है. शुरू किया था जब गणपति, तब मैं और मेरा भाई छोटे छोटे थे. पापा गणपति की मूर्ति उठा के लाते थे बिकॉज शाडू माती की मूर्ति थोड़ी भारी होती है. इट्स नॉट हल्का लाइक पीओपी. सो वो भारी होती है और उसको उठा के पापा लेके आते थे. हम पीछे पीछे घंटी बजा के चलते चलते आते थे. फिर धीरे 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 फिर मैं मूर्ति उठा कर लेकर, फिर भाई और मैं, और ऐसे करते करते देन पापा देन स्टार्टेड सिटिंग बिहाइंड एंड माय ब्रदर स्टार्टेड डूइंग द पूजा. एंड अब जब पापा नहीं है तो अब ऑफकोर्स मेरा भाई इज द मेन पर्सन इन द हाउस. आज मेरे बेटे ने पूजा की है. सो या इट इज़ वेरी स्पेशल. गणपति से बहुत सारी, जैसे ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ टाइम काफ़ी सारी मेमोरीज गणपति के साथ जुड़ी हुई है. एंड मेरी मम्मी महाराष्ट्रियन है तो हम लोग पूरा मराठी ट्रेडिशन से गणपति करते हैं. अपने
फैंस एंड व्यूअर्स को मैसेज क्या देना चाहोगे जाते जाते? थैंक यू सो मच, मतलब जितना मैं उनका थैंक यू करूँ वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने अनुपमा को इतना प्यार दिया है, इस शो को, इसके हर एक कैरेक्टर को आपने इतनी रिकग्निशन दी है। सारे टीम के एफर्ट्स जो एक कैरेक्टर को खड़ा करने में जाते हैं, जो एक शो बनाने में जाते हैं, उसको आप लोगों ने इतना रिस्पेक्ट दिया है, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। कल मैं सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के साथ थी और वहाँ भी पीपल वाले एक अनुपमा अच्छा लगता है कि टीवी एक ऐसा माध्यम है जो हमें हर घर का हिस्सा, यू नो, जैसे आप स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, लेकिन हम हर घर का हिस्सा बन चुके हैं। मैं टीवी एक्टर्स फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं rather than हम फैमिली मेंबर्स बन चुके हैं, हम आपके परिवार का हिस्सा, हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। एंड कोशिश यही रहेगी कि आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं उसके काबिल बने रहें। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलो 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 रूपाली जी, बाय बाय।